अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत व मुल्क भर में योम आइन के मौके पर तकारीब का इनेकाद। राजभवन और कानून साज असम्बली में मुनद तकारीब में दस्तूर हिंद के मामार की खिदमात को पेश किया गया खिराज। आरटीसी मुलाजमीन को डिपोज रुजू होने पर हिरासत में लिया गया। हड़ताल खत्म करने पर भी हुकूमत अपने मौकूफ पर कायम। खातून मुलाजमीन डिपोज पर रो पड़ी। मजलिस अराकीन असेंबली ने मुतालिका हलकों के तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुतालिका अहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। एनआरसी के सिलसिले में मुसलमानों की रहनुमाई के लिए नागरिक विकास केंद्र सेंटर्स कायम करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हिंद हलके तेलंगाना व उड़ीसा हामिद मोहम्मद खान का बयान। बंजारा हिल रोड नंबर 12 पर दिलखराश सड़क हादसा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर खातून मुकामे हादसे पर फौत। मुतालिका पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरा राजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने राजभवन में मुनक्किदा 70वीं योम आइन तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के वखार को बुलंदी अता करने के सिलसिले में हर एक को मिलजुल कर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर का दिन तारीखी अहमियत का हामिल है, क्योंकि 70 साल कबल बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क का दस्तूर और क़ानून मुरतब किया था। गवर्नर ने रियासत में हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही स्कीमात की सताइश की। इस तकरीब में स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, सबीता इंदर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आई रिस्पेक्टफुली इनवाइट आवर हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर और हॉनरेबल चीफ जस्टिस, honorable cabinet colleagues, honorable chairman Telangana legislative council, honorable speaker, honorable chairman Telangana legislative assembly, honorable judges, honorable deputy chairman, honorable speakers, respectful and honorable MLAs, MLCs, media, and my respects to one and all. I am really very happy that the Constitutional Day is celebrated today. तेलंगाना के आरटीसी मुलाजमीन को आज उस वक्त अफसोस हुआ जब वो मुलाजिमतों पर रुजू होने के लिए डिपोज पहुंचे थे। गुज़िश्ता रोज़ आरटीसी जेएसी ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया था और अपने मुलाजमीन को हिदायत दी थी कि वो आज से खिदमात पर रुजू हो जाएं, लेकिन कई डिपोज के पास एहतजाजी मुलाजमीन को जो खिदमात पर रुजू होने के लिए पहुँचे थे अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया, और जब उन्होंने एहतजाज किया तो उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। खातून मुलाजमीन को भी अश्कबार देखा गया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें खिदमात पर वापस नहीं लिया गया तो उनकी गुजर बसर मुश्किल हो जाएगी। रियासत तेलंगाना के खम्मम, हैदराबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, रंगारेड्डी और दूसरे डिपोज के पास भी मुलाजमीन को अश्कबार देखा गया। कई मुलाजमीन डिपो के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हुए भी नजर आए, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया। आरटीसी मुलाजमीन मंगल के रोज़ हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करने के बाद ड्यूटी पर रुजू होने के लिए राजीगंज, MGBS, संतोष नगर, फलकतुमा, फारुक नगर, मेहदीपट्टनम, इब्राहिम पट्टनम और दीगर बस डिपो पहुंचे तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि डिपो मैनेजर उन्हें ड्यूटी पर लेने से इनकार कर दिया, जिस पर सैकड़ों मुलाजमीन जिसमें खातून कंडक्टर्स भी शामिल थी उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी, सदरनशीन खानसास काउंसलर जी सुखेंद्र रेड्डी ने यौम आइन के मौके पर असम्बली के अहाते में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे और महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूल मालाएँ पेश की और बाद अज़ां उन्होंने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुल्क के तमाम तबक़ात को इंसाफ दिलाने और हर एक के साथ इंसाफ करने के लिए जिस क़ानून और दस्तूर को मुरतब किया था उस पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी, अराकीन असम्बली के अलावा अराकीन खानसास कौंसल भी मौजूद थे। దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఈ శుభ సందర్భం నేటికి అమలు చేసి 70 సంవత్సరాలు అయితా ఉంది। ఈ 70 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క పండుగను ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఇప్పుడు రాజభవనంలో గౌరవనీయులు राष्ट्र गवर्नर गारी आध्र्यो गौरव मुख्यमंत्री गार गौरव चीफ जस्टिस गारू कल मेमंदर पागन वचैं इकड़ शासन मंडल चैरम गौरवनीय सुखेंदर रेड्डी गारू राष्ट्र शासन सभा व्यवहार शाखा मंत्री गौरवनील प्रशांत रेड्डी गारो अनेक मंदिर गौरव मंत्रिवर्ग सभ्यु गौरव शासन मंडल सभ्यु शासन सभ्यु हाजर। रुकन असम्बली चारमीनार मोहम्मद मुमताज़ अहमद ख़ान ने अपने दफ्तर पर GHMC के जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, टाउन प्लानिंग डी वेंकन्ना, ACP प्रोजेक्ट AE अब्दुल खदीर के अलावा दीगर के हमरा रोड वाइंडिंग से मुतालिक इजलास मुनक़िद किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वह चारमीनार हल्के असम्बली में सड़कों की तोसी के लिए तरक्याती कामों की फौरी तकमील अंजाम दें। उन्होंने इस दौरान दीगर मुख्तलिफ अहम उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। हल्के असम्बली कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहीद्दीन ने सेंटर जोन जोनल कमिश्नर मुशरफ फारूकी के साथ एक इजलास का इनेखाद अमल में लाते हुए हल्के असम्बली कारवान व पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के इलाके जात जहाँ SC ST तबक़ात के अफराद मुकीम हैं उनके इलाके जात जियागुड़ा, गोलकुंडा, हकीमपेट में SC ST सब प्लान से तामीरी काम करवाने की अपील की और हल्के असम्बली कारवान के लिए इजाफी फंड जारी करने का मुतालबा किया गया जिस पर 7 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। मजलिस की नुमाइंदगी पर 170 मुख्तलिफ तरक्याती तामीरी काम करने का भी तयखुन दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना ओडिशा हामिद मोहम्मद खान ने आवाम बिलखसूस मुसलमानों से अपील की है कि वह NRC के लिए अपने आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड और दीगर से मुतालिका दस्तावेजात तैयार रखें ताकि बर वक्त रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़न को अमल के दौरान ख़ानदान की तफसीलात दर्ज करवाई जा सके। इस ज़िमन में जमात इस्लामी के ज़ेर सरपरस्ती आवाम की सहूलत के लिए नागरिक विकास केंद्र सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं जो आवाम की रहनुमाई के लिए रहबरी करेंगे। उन्होंने मुसलमानों से मज़ीद कहा कि NRC से तशवीश में पड़ने की ज़रूरत नहीं बल्कि मुतालिका दस्तावेज़ात तैयार रखें। के साथ में उनका साथ देते हुए, उनकी रहनुमाई करते हुए, उनका ताउन करते हुए कोई फ़र्द कोई घर छूटने ना पाए और वो मर्दुम शुमारी में शामिल करवाया जाए, उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अब कहा जा रहा है। इससे पहले सिर्फ सेंसस ही कहा जाता था लेकिन अब उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा जाएगा। उसमें 28 सवालात हैं, उन 28 सवालात के जवाबात हर घर के फर्द को देना है। तो ये पहला मरहला है। एक और मरहला है जो सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, वो बार बार हमारे मोहतरम होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल ले आएंगे और सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल में क्या होगा, तो वो बार बार दोहरा रहे हैं कि इसमें जो लोग अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से
नेपाल से, मुख्तलिफ पड़ोसी ममालिक से, सार्क ममालिक से जो लोग हिंदुस्तान आ गए, और उन लोगों में जो हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं। बज़्म रहमते आलम की जानिब से यौम आइन के मौके पर मुख्तलिफ ज़बानों में आइन की कापियाँ तकसीम की गई। इस सिलसिले में बज़्म के दफ्तर वाक़ मां साहब टैंक पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत करते हुए सदर बज़्म रहमते आलम एम ए मुजीब ने खिताब किया। एडिक्वेट हाई कोर्ट और सदर बज़्म रहमते आलम एम ए मुजीब ने कहा कि मुल्क सेकुलर अवामी जमहूरिया है और दस्तूर ने तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक़ फराहम किए हैं। बज़्म की जानिब से उर्दू, अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बान में भारत के आइन की कापियाँ तकसीम की गई। इस मौके पर एडवोकेट अनवर अली, हबीबुद्दीन एडवोकेट जियाउर रहमान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने आरटीसी मुलाजमीन की हालत पर अफसोस का इजहार करते हुए इस बात का सवाल किया कि तेलंगाना की तश्कील के मौके पर जो दानिश्वर और कायदीन आगे थे, बिलखसूस स्वामी गौड़, देवी प्रसाद और श्रीनिवास गौड़, आज आरटीसी मुलाजमीन के मसले पर वो क्यों खामोश हैं, जबकि उन्हें आज जो आला ओहदे हासिल हुए हैं वो आरटीसी मुलाजमीन की मरहून मिन्नत है। उन्होंने बताया कि आरटीसी मुलाजमीन हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए ड्यूटी पर रुजू होना चाहते हैं तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। మరి వాళ్ళు సమ్మె చేయడం జరిగింది వాళ్ళ హక్కుల కోసం, వాళ్ళ కోరికలన్నీ కూడా సమంజసమే. ఈరోజు రాష్ట్రంలో మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన కాడి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వమే పేదవాడి యొక్క ప్రయాణం కోసము తక్కువ ఖర్చుతో, ఎంత దూరమైనా తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణం చేసే ఒక సౌకర్యము ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్. అలాంటి కార్పొరేషన్ని ప్రైవేటీకరణ చేయాలని ఒక ఆలోచనతో కేసీఆర్ గారు ఈరోజు ఇప్పటి వరకు మరి అటు ప్రైవేటీకరణ చేయాల్సింది అని ప్రభుత్వం మొండిపట్టు, అధికారులు కూడా దానికి వాళ్ళ ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అనుసరిస్తున్న సందర్భంలో మరి ఈరోజు ఇప్పటి వరకు కూడా 52 రోజులు సమ్మెలో కూడా ఎలాంటి ప్రభుత్వం స్పందన రాకపోవడంతో తప్పని పరిస్థితులలో ఆర్టీసీ కార్మికులు దాదాపు 27 మంది చనిపోయారు, భవిష్యత్తులో ఇంకా స్ట్రైక్ పోతే ఇంకా చనిపోతారు, వాళ్ళు తట్టుకోలేని పరిస్థితికి వచ్చింది ఈ రోజున. वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में जुमेरात के रोज़ प्रगति भवन पर दोपहर 2 बजे काबीना का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें ज़राए के मुताबिक आरटीसी को खानगियाना और रूट्स का तायुन करने के सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादले ख्याल करने के बाद कई एक अहम फैसले लिए जाने की भी तवक्को है। इसके अलावा काबीना में असम्बली के सरमाई इजलास के आगाज़ से मुतालिक भी गौर खौस होगा। साबिक सदर PCCP लक्ष्मैया ने पोलिट्री एक्सपो में उन्हें अवार्ड देने पर जिम्मेदार एक्सपो से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उनका ताल्लुक एक मामूली घराने से है और उन्होंने जिस वक्त SSC इम्तिहान कामयाब किया था उनके ख़ानदान में और उनके गांव में उस वक्त मसरत की लहर दौड़ गई थी, जबकि इब्तदाई तौर पर पोल्ट्री फार्म सनत से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने के बाद सियासत में ख़दम रखा और कई एक ओहदों पर वो फायज हुए हैं। सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम एल रमना ने मीडिया से बात करते हुए रियासती गवर्नर से अपील की है कि वह आरटीसी के मसले पर मदाखलत करते हुए आरटीसी मुलाजमीन जिन्होंने हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार की है उन्हें ड्यूटी पर रुजू होने का मौका फराहम करें। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि उनका रवैया डिक्टेटराना है, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी रियासत में उनका ये रवैया ठीक नहीं है।
बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना के जेर एहतमाम 70वें यौम आइन तकरीब का हाई कोर्ट ने इनेखाद अमल में आया। तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट राघवेंद्रा एस चौहान, जस्टिस रामचंद्र राव, जस्टिस राजशेखर रेड्डी के अलावा एडवोकेट जनरल बी एस प्रसाद, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना ए नारा धीमा रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की और आइन से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर इजहार ख्याल किया। इस मौके पर वकला की कसीर तदाद भी मौजूद थी। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से और साइबराबाद पुलिस के इश्तराक से सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट के उनवान पर सालाना इजलास मुनक़िद किया गया। महकमे तेलंगाना पुलिस की जानिब से डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी, आईपीएस के अलावा महकमे ट्रैफिक और मैनेजमेंट के आला अहदेदारों ने भी शिरकत की। कृष्णा प्रसाद आईपीएस डीजीपी और चेयरमैन रोड सेफ्टी अथॉरिटी के अलावा कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार आईपीएस के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। अमेरिका के शहर शिकागो में वाकई यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में ज़ेर तालीम हैदराबादी निजात लड़की की नाश मुश्तबा हालत में यूआईसी के गैरेज में पाई गई। तफसीलात के मुताबिक रुत जॉर्ज 23 नवंबर से लापता थी। मुकामी पुलिस के मुताबिक गला घोंट कर उसका कत्ल किया गया और इस सिलसिले में शुबे की बुनियाद पर एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया जिसकी शिनाख्त डोनाल्ड थर्मसन की हैसियत से की गई है। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहकीक़ात कर रही है। रोड नंबर 12 के पास पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में आरटीसी बस ने स्कूटर पर जा रही खातून को टक्कर दे दी जिसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोहनी सक्सेना मुखाम वाक़े पर ही फौत हो गई। बताया गया कि वो टाटा कंसल्टेंट में मुलाजिमा थी। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया जबकि सिलसिले में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने जब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। दक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन सिडनी की जानिब से पांचवा दावा कप का इनेखाद पेरी पार्क वाकई सिडनी में 17-24 नवंबर अमल में आया। मस्कुरा क्रिकेट टूर्नामेंट में जुमला 16 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया जबकि सिडनी चार्जर्स ने फाइनल मुकाबला जीतते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल मुकाबले के बाद रखी गई तकसीम इनाम तकरीब में रुकने पार्लिमान जिहाद दीप और साबिक आमिर खुर्द साले वहसन कुरैशी ने मेहमान खसूसी के हिस्से से शिरकत की। वादर है कि दक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन हैदराबादी बरदारी पर मुश्तमिल है जो वक्तन फ़ौक्तन ना सिर्फ फलाही कामों में आगे रहती है बल्कि नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स के मुकाबले भी अमल में लाए जाते हैं। रवि न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद पाशा के मुताबिक एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारान ने टूर्नामेंट की कामयाबी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मीर का दायरा बड़ी गेट के साकिन मोहम्मद ख्वाजा लापता बताए गए हैं। इस सिलसिले में मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। अगर इस सिलसिले में किसी को मालूमात हो तो मोबाइल नंबर 7981984570 या फिर 9346678073 पर रब्त किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत और मुल्क भर में यौम आइन के मौके पर तकारीब का इनेखाद। राजभवन और कानून साज असम्बली में मुनक़िद तकारीब में दस्तूर हिंद के मामार की खिदमात को पेश किया गया खिराज। आरटीसी मुलाजमीन को डिपोज रुजू होने पर हिरासत में लिया गया। हड़ताल खत्म करने पर भी हुकूमत अपने मौकूफ पर कायम। खातून मुलाजमीन डिपोज पर रो पड़ी। मजलिस अराकीन असेंबली ने मुतालिका हलकों के तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुतालिका अहदेदारों को दी जरूरी हिदायत।
एनआरसी के सिलसिले में मुसलमानों की रहनुमाई के लिए नागरिक विकास केंद्र सेंटर्स कायम करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना व उड़ीसा हामिद मोहम्मद खान का बयान। बंजारा हिल रोड नंबर 12 पर दिलखराश सड़क हादसा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर खातून मुकामे हादसे पर फौत, मुतालिका पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन वीडियोस की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।